हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरा नाम है खुशी। मैं यहाँ पे रोज़ ट्रेंडिंग वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, सो अपडेटेड रहने के लिए नीचे दिए हुए सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करें एंड हिट द बेल आइकन। कवर पिक से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं लेके आई हूँ आपके लिए ज़ारा हॉल। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको आज शो करने वाली हूँ वो सारे के सारे प्रोडक्ट मैंने इन स्टोर से परचेस किए हैं, तो मैं इन सब के ऑनलाइन लिंक आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। अगर आपके घर के पास कोई ऑनलाइन ज़ारा स्टोर है तो वहाँ पे जाके आप इन प्रोडक्ट को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ज़ारा स्टोर पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, मुझे 40-50% डिस्काउंट पे मिले हैं सारे प्रोडक्ट। सो जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये ब्लैक कलर का सॉलिड टॉप। यस, एग्जैक्टली ये एक टॉप है जिसे मैंने एज अ ड्रेस पहना है। इसके कपड़े की बात करें तो ये सेमी वुलन है, थोड़ा सा थिन मटेरियल का बना हुआ है ये, और इसका जो नेक है वो वी नेक है। सेकंड, ये ब्लू कलर का डेनिम जैकेट मैंने लिया है, दिखने में ये काफ़ी ज़्यादा कूल है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे डेनिम जैकेट्स हैं बट ये वाला जो जैकेट है ये मेरा वन ऑफ़ द फेवरेट जैकेट्स है। नॉर्मली क्या होता है, जो डेनिम जैकेट्स होते हैं वो थोड़े हैवी मटेरियल के होते हैं सब, तो जब आप उनको पहनते हो तो आप थोड़ा कंजस्टेड सा फील करते हो, बट ये वाला जो डेनिम जैकेट है ये सच में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, लाइट वेटेड है, तो पहनने में इसको काफ़ी मज़ा आया। और आप चाहे तो इस तरह के जो डेनिम जैकेट्स होते हैं इनको शॉर्ट्स के ऊपर, जीन्स के ऊपर, नॉर्मल वेयर्स में कभी भी इसे आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप सूट पहनते हैं तो एग्जैक्टली सूट्स के ऊपर, जैसे कुर्तीज़ पहनते हैं तो कुर्तीज़ के ऊपर भी आप इस तरह के डेनिम जैकेट्स पहन सकते हैं। सो मैंने ये डेनिम जैकेट जो है ये इस ड्रेस के ऊपर पहना है, और इसके नीचे मैंने ब्लैक कलर के स्टॉकिंग्स डाले हैं, एंड ब्लैक एंड रेड आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन, सो मैंने इसे रेड सैंडल के साथ पेयर अप किया है। थर्ड है ये ऑरेंज कलर का टॉप। ऑरेंज कलर इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स, मेरे पास कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं है जो ऑरेंज कलर का हो। आई थिंक एक सूट है शायद, वो मैंने शायद इंडिपेंडेंस डे पे पहना था, उसके अलावा मैंने उसे कभी नहीं पहना है। पर ये वाला जो टॉप था ये स्टोर में काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था देखने में, एंड ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे बुला रहा हो कि मुझे देखो, मुझे पहनो, मुझे ट्राई करके देखो। सो मैंने ट्राई किया इस टॉप को तो ये मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप जैसे वीडियो में देख सकते हो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसके अगर नेक की बात करें तो ये डीप राउंड नेक का है, थोड़ा सा ये डीप है, अगर आपको ज़्यादा डीप लगे तो आप इसे टर्न करके बैक साइड में भी पहन सकते हो, उस तरह से भी काफ़ी ठीक लगने वाला है ये। मैंने इसे जॉगर्स के साथ पेयर अप किया है, आप चाहे तो इसे हाई वेस्ट जीन्स या फिर शॉर्ट्स के साथ भी पहन सकते हो। अगर आपको क्रॉप टॉप पहनना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप चाहे तो इसे श्रग के साथ या फिर डेनिम जैकेट्स के साथ भी इसे पेयर अप कर सकते हो, तब भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है। फोर्थ है ये ब्लैक कलर का टॉप। नॉर्मली आप इस टॉप को कहीं भी पहन के जा सकते हैं। इसके स्लीव्स की बात करें तो ये हाफ स्लीव्स का टॉप है। इसका जो कपड़ा है वो इलास्टिकेबल मटेरियल का बना हुआ है, सो ये आपके बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से हक करके रखेगा। अगर आप थोड़े से चबी हैं सो ये टॉप आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कराएगा। इस टॉप में जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो था इसका नेक, ये वाटर ड्रॉप नेक के साथ बना हुआ है, एंड इसके ऊपर बीट्स का काम हो रखा है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस टॉप में एक ड्रॉबैक ये है कि इसका जो नेक है वो थोड़ा डीप होने की वजह से अगर आप इसे गलती से नीचे पुश कर देते हो सो ये थोड़ा आपको डिस्कम्फर्ट फील कराएगा। अदर देन दिस, दिस इज़ द परफेक्ट टॉप। फिफ्थ एंड द लास्ट इज़ दिस लेपर्ड प्रिंट टॉप। ये जो प्रिंट है ये हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। इस तरह के जो टॉप हैं वो आपको ऑलमोस्ट एवरी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। पहले शीन इंडिया में जब था तो शीन के ऊपर इस तरह के टॉप एंड ड्रेसेस आपको देखने को मिलते थे, सो जब मैं देखती थी तो मेरा मन करता था उसे बाई करने का, पर कभी मैंने उसको बाई नहीं किया और शीन इंडिया में बैन हो चुका है। सो फाइनली ये जो टॉप है ये मुझे ज़ारा में दिखा, सो मैंने सोचा इस टॉप को ट्राई किया जाए। इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, दिखने में तो ये वेलवेटी लग रहा है पर वेलवेट के जो कपड़े होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, मोटे होते हैं एंड थोड़े शाइनी होते हैं, पर ये थोड़ा नॉर्मल है, लाइट वेटेड है, एंड इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी स्ट्रेचेबल है, सो ये पहनने में काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहा है। इसे मैंने पहना है 3/4 जीन्स के साथ। यू नो आजकल रेनी सीज़न चल रहा है, सो वेयरिंग अ फुल पैंट इज़ नॉट एन आइडियल ऑप्शन, सो आपको इस तरह के पैंट्स पहनने चाहिए। अगर आपको इस तरह के पैंट्स के ऊपर या किसी और टॉपिक पे रिव्यूज़ देखने हैं सो प्लीज़ कमेंट बिलो।
और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।